दोस्तों बिग बॉस 16 अब जल्द ही टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला है। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया गया है कि 1 अक्टूबर को ये शो टीवी पर नजर आएगा। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं कलर्स के ऑफिशियल चैनल्स पर लगातार वो अपने एक एक कंटेस्टेंट को रिवील करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ देर बाद ही वो प्रोमोज डिलीट भी हो जाते हैं। जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक और लेटेस्ट कंटेस्टेंट का नाम सामने आया है और वो काफ़ी पॉपुलर हैं और काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़े हुए भी हैं। उनके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये बता दें कि इस बार बिग बॉस के शो में ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को खूब मिलेंगे। शो के नियमों में बदलाव किए जा चुके हैं। सलमान खान खुद बिग बॉस के घर के अंदर नजर आएंगे, वहीं कंटेस्टेंट भी कमाल करते हुए दिखाई देंगे। अब आपको बताते हैं कि कलर्स टीवी पर एक नया प्रोमो रिलीज हुआ, वो कुछ ही घंटों बाद डिलीट भी हो गया। वो प्रोमो था रैपर MC स्टैन का। जी हाँ, जहाँ पर उनकी कुछ झलकियाँ दिखाई दी। अब इससे अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि MC स्टैन बिग बॉस में दाखिल होने वाले हैं, यानी कि बिग बॉस में नजर आएंगे। आपको बता दें कि MC स्टैन एक रैपर हैं और वो हिप हॉप रैप करते हैं। MC स्टैन का असली नाम अतलफ शेख है और उन्हें MC स्टैन के नाम से जाना जाता है। उनकी यंगस्टर में बहुत पॉपुलैरिटी है, हालांकि वो कॉन्ट्रोवर्सी से भी उतना ही जुड़े हुए हैं। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उन पर मारपीट तक का भी आरोप लगाया है। अब ऐसे में उनके रीसेंट कॉन्सर्ट जो उन्होंने पूना में किया था, उसमें भी उनकी कुछ अश्लील हरकतें सामने आई थी, जिसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहे। वेल, इस बार वो बिग बॉस के घर में नज़र आ सकते हैं, ऐसा कोई और नहीं बल्कि कलर्स टीवी ही कह रहा है। लेकिन कुछ घंटों बाद ही ये प्रोमो रिलीज करने के बाद डिलीट भी कर दिया गया। अब जानना ये भी दिलचस्प हो जाता है कि आखिरकार MC स्टैन का ये प्रोमो कलर्स टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्यों डिलीट कर दिया गया। वेल, वजह जो भी हो, लेकिन 1 अक्टूबर से आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। और अगर बिग बॉस की न्यूज़ आपको चाहिए तो उसके लिए हम हैं ना, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन ऑल्सो।